हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता स्वीट होम रसोई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मिक्स वेज पुलाव रेसिपी, जिसे कि मैं अपने तरीके से बहुत ही सिंपल वे में बनाने वाली हूं। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसका एक एक दाना खिला हुआ है। इसे मैंने कुकर में बनाया है और ये फटाफट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। देख पा रहे हैं आप कितना ज़्यादा डिलीशियस है, देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसालों में मैंने एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक चक्री फूल लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। इन्हें मैंने पहले डाल दिया है ताकि इसका एरोमा अच्छे से आ जाएगा। खड़े मसाले हमेशा पहले डालें, इनसे इनका एरोमा बहुत अच्छे से निकल के बाहर आता है। देखिए इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लिया हुआ है, जिसे मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। देख पा रहे हैं आप, तो हम प्याज को भून लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। देखिए प्याज जो है वो हमारा भून चुका है। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो सब्जियों में मैंने यहाँ लिया है गाजर, बीन्स और शिमला मिर्ची। सब्जियों में आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ले सकते हैं। देखिए मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो आलू भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं, इनको भी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लूंगी। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1/4 कप लिया है फ्रोजन मटर, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो गल जाएगी इसी में। अब मैंने यहाँ 2 कप लिए हैं बासमती राइस। आप जो भी चावल यूज़ करते हैं वो आप बना सकते हैं। इनको मैंने अच्छे से पहले ही धो लिया था 3 से 4 बार पानी में। इनको मैंने सोक करके नहीं रखा है क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो सोक करने की ज़रूरत नहीं थी। डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप देखिए मिक्स करते टाइम ही कितना प्यारा है, दिख रहा है एकदम कलरफुल। और इतनी सारी सब्जियां डली हुई हैं तो हेल्दी तो है ही, और फटाफट बन जाता है। तो अब हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारे मसाले पहले ही ऐड कर दिए थे, खड़े गरम मसाले। इसमें मैंने सिर्फ 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप अब तक समझ गए होंगे कितना सिंपल तरीका है। और मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए हैं, तो मैं यहाँ 4 कप पानी डाल देती हूँ। नॉर्मली जो हम चावल का रेशो लेते हैं कि 1 कप चावल में हम 2 कप पानी डालते हैं, ये मैंने 4 कप इसमें पानी डाल दिया है और इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैंने यहाँ 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको लिड लगाकर फुल फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो देखिए हमारी सीटी आ चुकी है और हमारा जो कुकर है वो खुद ब खुद ठंडा हुआ है। हमें इसे खुद से इसकी सीटी नहीं निकालनी, खुद से इसका प्रेशर नहीं निकालना है, अदरवाइज जो चावल है वो पानी पानी हो जाएगा, उसके ऊपर पानी आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमारा जो पुलाव है उसका एक एक दाना खिला हुआ है। इसको मिक्स करके मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ। देखिए इसका चावल का एक एक दाना अलग अलग है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कुकर में कितनी जल्दी ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ काजू लिए हैं, जिसे मैंने घी में फ्राई कर लिया था। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी पुलाव बनाने की क्विक एंड ईजी रेसिपी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। थैंक यू।